बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर अली साहब, ASP सदर सर्कल बहावलपुर। आज हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बाबर अली साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह से हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा सर, रमज़ानुल मुबारक में आपने सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए? जी, रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि आपको पता है कि सिक्योरिटी के हवाले से, एक तो ईद जैसे करीब आती है तो क्राइम की एक वेव, क्राइम कुछ बढ़ता है जो कि हर साल ये एक पैटर्न देखा जाता है। उस हवाले से एक तो सिक्योरिटी के हवाले से हमने तरावी की जो ड्यूटी है उनको हमने मजबूत किया है। शहर में जहाँ जहाँ मस्जिद में तरावी पढ़ाई जा रही है वहाँ पे हर मस्जिद में हमने सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई है। उसके अलावा जैसे ईद करीब आती है तो मार्केटों में भी एक रश बढ़ जाता है तो मार्केट्स की भी सिक्योरिटी ड्यूटी हमने लगाई है। उसके अलावा जनरली क्योंकि क्राइम की वेव आ रही है तो हमने जो पेट्रोलिंग हमारी जो गश्त थे उसको भी हमने एक्टिव किया है, उसको भी हमने बीफ अप किया है ताकि जो अगर क्राइम अगर बढ़े तो उसको हम पहले से टेकल कर सकें। माशाल्लाह। अच्छा सर, ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है एज़ ASP सदर? जी, आवाम के लिए यही पैगाम है, क्योंकि ईद का मौका है तो आप अपने जानो माल की हिफाजत करें। अगर क्राइम थोड़ा बढ़ता है, जैसे मोटरसाइकिल चोरी अगर बढ़ रही है, तो उसमें यह है कि आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, थोड़ा एक्टिव रहें। बाकी पुलिस भी अपना इंशाल्लाह काम कर रही है, हम ट्रेस भी कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन मेजर्स के थ्रू भी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, लेकिन यह एक आवाम से यही पैगाम है कि वो भी अपने जानो माल की हिफाजत करें। ठीक। अच्छा जनाब, रीजनल पुलिस ऑफिसर रहे बाबर सईद साहब की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं बहावलपुर में? जी, मेरा क्योंकि आज ऑफिस में तीसरा दिन है तो मैं इधर रिसेंटली पोस्टेड हूँ, लेकिन बेशक राय बाबर साहब हमारे बहुत ही मोजेज़ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनकी लीडरशिप की इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े अच्छे, उनकी लीडरशिप है और बड़ी अच्छी उनकी कमांड है। इंशाल्लाह उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा और उनकी लीडरशिप में हमें भी इस शहर की आवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। ठीक। बहावलपुर आने से पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ रही? जी, बहावलपुर आने से पहले मेरी पोस्टिंग थी गुजरांवाला में, गुजरांवाला में माल टाउन सर्किल में पोस्टिंग थी मेरी। ठीक। अच्छा सर, मौजूदा दौर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ आवाम क्या तामन कर सकती है? जी, मौजूदा दौर में मोटरसाइकिल चोरी एक, जो अभी मैं आया हूँ तो एक इशू जो मेजर इशू देखा है वो है शहर में मोटरसाइकिल चोरी का। उसमें मेरा आवाम से यही पैगाम मैं रिपीट करूँगा कि मोटरसाइकिल चोरी को, एक तो जो है मैंने ये अभी आते हुए देखा है कि जो मोटरसाइकिल्स हैं काफ़ी जो हैं वो लॉक ही नहीं होते, या उन पे एक सिंगल छोटा लॉक होता है, हैंडल लॉक। इसमें ये है कि आप, हम अगर टारगेट हार्डनिंग करें, यानी ये है कि चोरी करना मुश्किल बन जाए, तो उसमें सिंपल से स्टेप्स हैं। आवाम को ये चाहिए कि अपने, जैसे कि मोटरसाइकिल चोरी है तो उसमें आप वायर लॉक लगाएँ, आप जो है लॉक अगर एक्स्ट्रा लगाएँगे तो उसमें ये होगा कि अगर 30% चोरी हो रही है तो वो 20 या 15% पे आए, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो प्रिवेंशन के लिए है कि आवाम को चाहिए कि अपनी जो चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल हैं या कोई और चीज़ है, तो उसमें टारगेट हार्डनिंग करने के लिए सिंपली है कि उनकी हिफाजत करें, लॉक्स को लगाएं, वायर लॉक्स को लगाएं, उससे यह है कि चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर की आवाम को आपका क्या कहना है? जी, बहावलपुर की आवाम के लिए मैं क्योंकि अभी रिसेंटली पोस्टेड हूँ तो मेरा ये पैगाम जो है वो मैं वैसे ही देना चाहता था, वो ये है कि आप ये जो मेरा ऑफिस है इसके दरवाज़े पूरी आवाम के लिए, पूरे बहावलपुर, जो मेरा सर्किल है, जो मेरे अंडर जुरिसडिक्शन में आते हैं, उनके लिए ये दरवाज़े खुले हैं। कोई भी आपको शिकायत है, कोई भी मसला है, किसी भी पुलिस स्टेशन हो, कोई भी और क्राइम रिलेटेड इशू हो या कोई सोशल इशू हो, जो भी हो, तो इंशाल्लाह मेरी जो कैपेसिटी होगी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल हल करूँ। मेरे दरवाज़े खुले हैं और मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मेरिट होगा, इंसाफ होगा, इस चीज़ को इंश्योर करवाना मेरी जिम्मेदारी और मैं इंशाल्लाह करूँगा। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में गुनाहगार होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।